हेलो गाइस, मैं नाम निधि। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है इसराइल वर्सेस पैलेस्टीन क्लैश, जो आजकल हम देख सकते हैं पूरे न्यूज़ चैनल्स में। एंड मैं इसको कवर करने वाली हूँ इस सेशन में कि कैसे कैसे इनकी हिस्ट्री है एंड इनकी जो क्लैश है उसका रीज़न क्या क्या है। हम देख सकते हैं एक तो इसराइल का मैप एंड यहाँ पर एक पैलेस्टीन का मैप। तो लेट्स गो अहेड। तो अगर हम देखें करंट सिचुएशन में जो अभी जो क्लैश हुई है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच, उसमें 83 लोग की कैजुअलिटीज़ हुई है, इंक्लूडिंग 17 चिल्ड्रन बोथ द साइड एंड 480 जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। अब हम एक बार ज्योग्राफिकल फीचर्स पढ़ लेते हैं इसराइल एंड पैलेस्टीन की। तो इसराइल साउथ ईस्टर्न शोर पर है मेडिटेरेनियन सी के एंड नॉर्थ शोर पर है साउथ रेड सी के। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे इसराइल एंड पैलेस्टीन की दोनों की ज्योग्राफिकल फीचर्स की और वो कैसे कैसे फॉर्म हुए। तो इसराइल जो है वो आपके साउथ ईस्टर्न शोर पे है मेडिटेरेनियन सी के एंड नॉर्थ शोर पे है आपके रेड सी के, और ये लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, पैलेस्टीन जैसे स्टेट्स कंट्रीज़ की बाउंड्री को टच करता है। जो पैलेस्टीन है, अब हम उसकी बात करते हैं। पैलेस्टीन पहले जब 1948 से पहले ये एक पूरा कंट्री हुआ करता था, बट आफ्टर दैट इसको बार बार लोगों ने इसको कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, इसराइल, और आफ्टर दैट 6 डे वॉर जो हुई थी उसने भी इसको इसराइल ने पूरा ही से कैप्चर, आधा इसका हिस्सा पूरा कैप्चर कर दिया था। सो ये हमारा मैप है इसराइल का। इसराइल का जो मैप है ये है, और यहाँ मेडिटेरेनियन सी है, इसके साउथ ईस्टर्न पार्ट में है एंड नॉर्थ पार्ट में है रेड सी के। एंड वी कैन सी इट हेयर लाइक इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, और यहाँ पर आपके ये आपका यहाँ पर लेबनान भी है, जो उसका अपर साइड है वहाँ पर लेबनान भी है। नाउ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसराइल का पूरा मैप एंड पैलेस्टीन ऑल्सो। पैलेस्टीन ये इसको वेस्ट बैंक भी बोलते हैं, यहाँ पर गाजा स्ट्रिप है, ये पैलेस्टीन के अंडर आती है। एंड पहले इसे गाजा स्ट्रिप को इजिप्ट ने इसको कैप्चर करा था, बट आफ्टर दैट यहाँ पर क्या था कि इसराइल की कुछ ना कुछ ट्रूप्स रखे गए थे और पैलेस्टीन के अंदर ये भी कंट्रोल है। ठीक है, दिस इज़ आर नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम देख सकते हैं कि पैलेस्टीन कैसे कैसे था, इसको कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ एंड नाउ इट इज़ लाइक दिस। सो यहाँ पर 1947 से पहले ये पूरा इतनी बड़ी स्टेट हुआ करती थी, देन पार्टीशन हुआ था इसराइल एंड पैलेस्टीन का। इसराइल में ज़्यादातर ज्यूज रहते हैं एंड पैलेस्टीन में ज़्यादातर मुस्लिम्स रहते हैं। एंड यहाँ पर ये जो इसराइल है ये पूरा अरब स्टेट से पूरा घिरा हुआ है एंड दैट्स वाई ज़्यादातर जो अरब स्टेट्स, अरब कंट्रीज़ हैं, पैलेस्टीन का साथ देती हैं। एंड जो इसराइल है इसने फिर बाद में 1948 के बाद ये कैप्चर करने लग गया मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ पैलेस्टीन। इसने यहाँ पर नॉर्दर्न पार्ट भी इसका कवर कर दिया है एंड देन आफ्टर दैट अब जब इसराइल ने कुछ टाइम बाद जेरूसलम जो है उसको भी इसने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था एंड इसने वेस्ट हाफ द पार्ट जेरूसलम का कवर करा। एंड बाद में जॉर्डन ने भी इसका ईस्टर्न पार्ट कवर करा जेरूसलम का, बट 6 डेज वॉर जो हुई थी उसमें जो जॉर्डन था वो हार गया था एंड दैट्स वाई इसने जो इसराइल था इसने पूरी की पूरी जो जेरूसलम था अपने अंडर कर दिया। तो कुछ ये एक ऑफिशियल नहीं है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट जेरूसलम। जेरूसलम एक बहुत अच्छा हम बोल सकते हैं टॉपिक है जिसकी वजह से ही आपकी क्लैश हो रहा है हम बोल सकते हैं। तो ये जो जेरूसलम है ये एक कॉन्फ्लिक्ट है पैलेस्टीन और इसराइल का बहुत सालों से एंड इसराइल ने इसको कैप्चर करा था 1948 में वेस्टर्न पार्ट में एंड बाद में इसको ईस्टर्न पार्ट जो था जॉर्डन ने भी कवर करा था उतरेंगे, बट 1967 जैसे बताया था मैंने आपको 6 डे वॉर के अंदर जॉर्डन हार गया था जिसमें जेरूसलम को इसराइल ने अपने अंदर कर दिया था। तो यहाँ पर नॉट ओनली क्लैशेस होती हैं जेरूसलम में, बट यहाँ पर कुछ होलीस्ट प्लेस हैं, लाइक यहाँ पे ज्यूज़ की होलीस्ट प्लेस है एंड यहाँ पर क्रिश्चियनिटी की होलीस्ट प्लेस है, क्रिश्चियंस की यहाँ पे चर्च है एंड यहाँ पर एक सबसे मेन जिसको हम बोल सकते हैं वो है अल अक्सा मॉस्क, जिसमें जो इस्लाम का थर्ड होलीस्ट प्लेस है जिसे मक्का मदीना के बाद अल अक्सा मॉस्क, जिसको हम हराम अल शरीफ भी बोला जाता है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है जेरूसलम की वो ये है कि होलीस्ट प्लेस है एंड अल अक्सा मॉस्क भी यहाँ पर सिचुएटेड है, ज्यूस का यहाँ पर सेक्रेड प्लेस है, इसको हम बोलते हैं द माउंट, एंड क्रिश्चियनिटी का चर्च है, क्रिश्चियंस का जो चर्च है यहाँ पर जिसमें बोलते हैं कि जीसस
गाइस बोलते हैं कि यहाँ पर इनका रीक्रिएशन हुआ था और यहाँ पर इनको हैंग भी करा गया था। दैट्स वाई पर दोनों का ही कुछ ना कुछ रिलीजियस मैटर है। दैट्स वाई यहाँ पर दोनों ने ही अपनी कैपिटल्स बना रखी है। पैलेस्टीन की कैपिटल भी जेरूसलम है, इसराइल की कैपिटल भी जेरूसलम है। तो यहाँ साइड में हम देख सकते हैं, ये देखिए मुस्लिम, यहाँ पे मुस्लिम क्वार्टर है, यहाँ पे पूरा ये अल-अक्सा शरीफ या हम बोल सकते हैं हराम अल शरीफ जो मॉस्क है यहाँ पर सिचुएटेड है। एंड यहाँ पे वेस्टर्न वॉल्स है जूस क्वार्टर की, एंड यहाँ पे क्रिश्चियन क्वार्टर भी है एंड अमेरिकन क्वार्टर भी। तो यहाँ पे बहुत सारा हम देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग रिलीजन का यहाँ पर होली प्लेसेस हैं। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं जेरूसलम यहाँ पर सिचुएटेड है, ये बीच में है दोनों के, पैलेस्टीन के भी एंड इसराइल के भी। एंड नाउ वन सेकेंड, या सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाज़ा। गाज़ा भी एक इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो गाज़ा एक पैलेस्टीन का पार्ट है जिसको मैंने जैसे बताया था कि इजिप्ट ने पहले इसको कंट्रोल करा था, बट आफ्टर दैट आफ्टर सम टाइम इसको हटा दिया गया था। बट गाज़ा का अभी भी मिक्स, गाज़ा जहाँ पर मान लो गाज़ा यहाँ पर है, तो गाज़ा के सीधे नीचे यहाँ पर इजिप्ट है। तो इजिप्ट एंड इसराइल, जिसके यहाँ पर पूरे इसराइल है, इसराइल इज है वन सेकेंड, आई एम जस्ट गोना टेल यू, जैसे यहाँ पर इसराइल है एंड यहाँ पर जो यहाँ पर आपका इजिप्ट है। तो इजिप्ट एंड इसराइल, यहाँ पर इजिप्ट है एंड यहाँ पर इसराइल है, ये दोनों ने ही इस गाज़ा स्ट्रिप को कवर कर रखा है टाइटली। तो यहाँ पर हमें गाज़ा में देख सकते हैं एक हमास है। व्हाट इज़ हमास है? तो हमास एक मिलिट्री है। तो मिलिट्री किसके? पैलेस्टीनियन की, ठीक है। बट इसराइल क्या बोलता है कि ये इसराइल क्या बोलता है कि जो गाज़ा बॉर्डर्स में जो हो रहा है ना, ये जो क्लैश हो रही है गाज़ा बॉर्डर से, यहाँ पर आपके बॉम्ब्स आए थे, इसराइल का कहना ये है। और जो टेंशन है इसराइल एंड गाज़ा की, वो बहुत सालों पहले से और 25 साल से भी ज़्यादा यहाँ पर आपकी पीस टॉक्स हो रही है, पर तब भी आपको रीजंस रेजोल्यूशन कोई भी नहीं निकल रहा है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि गाज़ा के साथ साथ, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं गाज़ा स्ट्रिप बोलते हैं इसको। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट बोनस थिंग दैट आई एम गोइंग टू एलिट टुडे, इट इज़ सिटीजनशिप इशू। अब देखिए यहाँ पर सिटीजनशिप इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने स्लाइड तो नहीं बनाई बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको हम आज कवर कर रहे हैं इसके साथ साथ ही। और ये इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो वॉर है, जो क्लैश है, वो भी इंक्रीज हो रही है। क्योंकि जो इसराइल है, जैसे यहाँ पर मैप है हमारे पास, जो तो इसराइल का मैप, तो इसराइल का मैप में जो सिटीजनशिप इशू है वो क्या है? तो यहाँ पर जब इसराइल ने कैप्चर करा ईस्टर्न पार्ट ऑफ जेरूसलम, तो जेरूसलम में आपके ज्यूज भी रहने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर 220,000 ज्यूज अभी भी रहते हैं एंड इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे। पर अगर हम देखें इसराइल की, इसराइल में जो पॉपुलेशन है सिर्फ 1 करोड़ है, तो ये भी कम है वैसे तो इंडिया के हिसाब से। एंड अब हम मेन टॉपिक में आते हैं। तो जो इसराइल है, जो इसराइल में जो इसराइलियन सिटी है, उसके जो ज्यूज़ हैं जो उसमें बॉर्न हुए थे, उनको तो आपकी इसराइल की एक वो मिल गई सिटीजनशिप। बट जो लोग पैलेस्टीन के जो लोग थे, जो यहाँ पे बॉर्न हुए थे पैलेस्टीन में, जो अब जेरूसलम में आ गए थे जब ये सेपरेट हुआ था आपका ईस्टर्न जेरूसलम, तो यहाँ पर जो यहाँ के जो लोग हैं आपके, जो पैलेस्टीन के जो लोग हैं, वो लोग आपके इसराइलियन सिटीजनशिप को मना करते हैं। एंड दैट्स वाई दे आर गिवन अ कंडीशनल रेजिडेंसी परमिट, और उनको एक कंडीशनल रेजिडेंसी परमिट भी इन्होंने लिया है। एंड इसी सिटी में ही आपका जो क्लैश है वो स्टार्ट हुआ था। तो दैट्स वाई ये थोड़ा थोड़ा क्लैश बढ़ता गया। एंड अब देख सकते हैं ये क्लैश बहुत बढ़ चुका है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में एंड पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है। दैट्स व्हाई टू अप्रिशिएट मी डू लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कौन सी नई नई वीडियोस ऐसी चाहिए। एंड टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद माई नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक्स। स्टे सेफ।